नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हां साथियों, आज मैं बता दूं आपको कि भाई एक तो खुशखबरी है कि सऊदी की जो एम्बेसी है वो 3 जून से स्टार्ट हो रही है। ये बाकायदे एम्बेसी ने ट्विटर पे ये जानकारी डाली है और इसमें आपको 3 जून से क्या क्या आपको काम मिल सकते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं, वो आगे जानकारी मैं आपको दूंगा। आगे बढ़ने से पहले जाऊंगा साथियों, चैनल सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें भाई, विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई आज हम बात करेंगे सऊदीया से रिलेटेड। देखिए भाई, सऊदीया का आपको पता है इंडिया की तरह सऊदी में भी लॉकडाउन जब भी चल रहा है, स्थिति वहाँ पर भी ख़राब हो रही है क्योंकि कोरोना का अपडेट भयंकर तरीके से ग्रो कर रहा है। आप सबको पता ही है, बहुत सारे दुनिया को काम भी नहीं मिल रहा है, स्थिति ख़राब है, कहने का मतलब ये है। बाकी लोगों की शिकायत होती है सर फ्लाइटें नहीं आ रही हैं। भाई देखो, फ्लाइटें तो आ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्लो डाउन में चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स को सब कुछ पूरा सिस्टम देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये करो वो करो, सऊदी एम्बेसी की भी शिकायत आ रही है कि वो रिस्पॉन्स नहीं देते, वैल्यू नहीं करते लोगों को। अब क्या करें भाई, दुनिया बहुत ज़्यादा है और एम्बेसी बहुत, लोग बहुत कम है। दूसरी बात, एम्बेसी भी प्रॉपर तरीके से चालू नहीं है। मेन बात यह है ना कि एक तो रनिंग में हो, 100% के हिसाब से काम कर रहे हो तो वो फ्रेशर में आके काम कर लेते हैं। अब जो एम्बेसी के बंदे हैं वो भी तो घर बैठे हैं ना, आपको पता है लॉकडाउन है, मेट्रिक क्लोज है, तो वो तो पूरा ऑनलाइन काम कर रहे हैं बैठे बैठे, तो वो ऑनलाइन में आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं, आप भी इस बात को समझ सकते हो। लेकिन फिर भी जितना है अपने स्तर पे कोशिश है। 3 जून से एम्बेसी स्टार्ट हो रही है, बता दूं आपको। इसमें आपको बता दूं भाई, जो पासपोर्ट से रिलेटेड मेन बात ये है, जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत सारी दुनिया के पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं, वो पासपोर्ट भाई रिन्यू करवा लें या फिर जो दूसरा पासपोर्ट बनाना है। काफ़ी लोगों ने पहले जो आवेदन कर रखे थे उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है पासपोर्ट से रिलेटेड, तो 100% समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी और भी कोई इंक्वायरीज हो से, वो किसी भी रिलेटेड से, जॉब से रिलेटेड हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो या अन्य कोई भी टिकट से रिलेटेड हो, जो विदेश से रिलेटेड है, एम्बेसी से रिलेटेड, वो वहाँ पर जाकर आप अपना समाधान करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि वो बात पहले वाली नहीं है कि भीड़ की भीड़ चली गई, एम्बेसी के आगे धरना दे दिया या हजारों के लोग खड़े हो गए, ऐसा नहीं होने वाला। पहले आपको अपॉइंटमेंट लो, चाहे आप कॉल के द्वारा लो, चाहे आप मेल से लो, चाहे आप ट्वीट करके कैसे भी लो, आप अपने हिसाब से लो, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको वहाँ जाना है। मैं बता दूँ साथियों कि आपको कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ, मैं स्क्रीन पर भी रख दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें साथियों देखो, एड्रेस दिया गया है इंडियन एम्बेसी रियाद का है, ये 28 मई का अप्रूव हुआ है। रियाद अल हमाम का एड्रेस है साथियों, फर्स्ट फ्लोर पे पूरा एड्रेस दे रखा है। 3 जून को आप जा सकते हैं यहाँ पे, सुबह 8:30 से 5 बजे तक। रियाद का भी साथियों एड्रेस दे रखा है, 3 जून का ही है, टाइम वही है, सेम टू सेम। अल खोफर का भी दे रखा है, दमाम का दे रखा है, टीका दे रखा है, आयल का दे रखा है, यानी ये लगभग जहाँ जहाँ इंडियन एम्बेसी हैं वहाँ उनकी शाखाएँ हैं, जहाँ उनका कॉन्टैक्ट बेस है वहाँ पे 6 से 7 जगह सबका एड्रेस दे रखा है साथियों। 3 जून से लेके 7 जून, यानी 3 जून को है और 7 जून को है, ये एड्रेस है साथियों। अपॉइंटमेंट लेके आप पहुँच जाएँ, पूरी बाकायदा इसमें दे रखी है, आप देख लें, पढ़ लें, सोच लें, समझ लें, आपकी जो भी इंक्वायरीज है वहाँ जाके आप अपनी काम करवा सकते हैं। कोई भी अगर आपका काम पेंडिंग है, चाहे आपको टिकट से रिलेटेड हो, चाहे आपका वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे आपका पासपोर्ट से रिलेटेड हो, पासपोर्ट है भाई वो रिन्यू करवा लें, बाद में करवाओगे तो हो सकता है फाइन पड़ जाए, फिर बाद में अलग से पैसा लगेगा, अभी तक तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस साथियों, सऊदी से रिलेटेड ये अपडेट थी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करके ऑन करके रखे बटन, जैसे वीडियो डालूं पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।